बट यू आर अवर गाइड। चलो नाइस टू मीट यू। दिस इज व्हाट आई वांटेड भाई। 480 बे नथिंग। आई नो यू टेक केयर वीडियो ऑफ इट। व्हाट टू डू। सो गाइस वेलकम बैक टू अ वेरी ब्रांड न्यू वीडियो। तो हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं भाई। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टाइमिंग, इफ आप लोगों को पता ही है। और ये रहा मेरा DSG का जैकेट, देखो कितना गंदा होता है, देख रहे हो। इट इज़ ऑल बिकॉज कि मेरा वो मडगार्ड नहीं है ना। तो मडगार्ड जब नहीं होता ना, अगर खास करके MT का मडगार्ड आप लोग निकाल दोगे ना, तो उसका जो पीछे से जब आता है ना पानी, ऊपर हेलमेट के टॉप तक आ जाता है। तो होप सो भाई आज जो राइड होगा ना वो अच्छा ही होगा। शिलोंग के रोड में अगर रोड ख़राब नहीं मिला तो फिर क्या मिला। तो हम लोग दो ही आज, वो स्कूटी वाला एक और ये रहा मेरा प्यारा MT। तो वी आर गोइंग अराउंड 20 किलोमीटर यहाँ से। अभी रिवील नहीं करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि कुछ तो हिडन रहना चाहिए ताकि हम लोगों के लिए भी थोड़ा एक्सपीरियंस नया हो जाए और आप लोगों को भी दिखा दूँ मैं। This is what I wanted, भाई। मेरा ना ऐसा, ये जो कैमरा है ना वो इतना वाइड एंगल नहीं है, तो इसलिए मेरे को हैंडल नहीं दिखता। मेरे को इसलिए ऐसा करना पड़ता है बार बार, सर ऐसे मेरे को नीचे करना पड़ता है, और इसलिए आप लोगों को दिखता भी नहीं होगा मैं कैसा बेंड कर रहा हूँ। इसलिए जब मेरे को कोई रिकॉर्ड करने वाला है ना पीछे से, तब पता चलेगा आप लोगों की मैं कितना बेंड करता हूँ। हाँ ये स्कूटी से मतलब, वो बाइक से मतलब स्कूटी में आने ना तो थोड़ा मेरे को अनकम्फर्टेबल लगता है। पहले नहीं लगता था क्योंकि पहले मैं एंडोर चला गया था ना, फिर जब मैंने बाइक लिया ना, अब जब बाइक से मैं वापस स्कूटी में शिफ्ट होता हूँ तब मेरे को थोड़ा, क्योंकि मेरे को फीलिंग आता है भाई इसका चक्का बहुत छोटा है, वाकई इसका चक्का बहुत छोटा है। तो जब मैं ऐसे लीन करता हूँ ना भाई, मेरे को थोड़ा डर लगता है। भाई वही कि आपके पास जो है ना उसमें खुश रहो, क्योंकि मतलब ये जो मैं चला रहा हूँ यही कितने लोगों का ड्रीम होगा। मामा हमने क्या डन, सीक्रेट फॉरेस्ट स्ट्रेट 9 किलोमीटर। शिटिंग राइट लेफ्ट जय भाई कुबलाई मामा कुबलाई। ये होता है भाई, थोड़ा थोड़ा लोकल लैंग्वेज में जानता हूँ थोड़ा थोड़ा से, तो उसी से हम लोग ट्रांसलेट कर लेता है भाई। फॉरेस्ट व्हाट इज द प्राइस ऑफ द फॉरेस्ट? 350 लाइक ऑल टुगेदर। We are going to get a guide award. What is the guide? Compulsory. Well, like, what is the guide price? 350. Included with that 30 only, that parking and entry fees. 350 only for the guide fees. 350 guide. Yes. And 30 rupees entry. Yeah. With the parking. And parking so 20 for two wheeler. Wow. उनको जंगल दिखाएगा इधर में, हम जंगल ऐसा जंगल हमने देखा होगा, ऐसा जंगल दिखाएगा दिल्ली में। मजा है भाई। 480 बे ओ भाई, 480 समझ रहे, यही में जीप करती है एक बार में। साले ये तो एक्सपेंसिव है बे ना, थोड़ा ज्यादा हो गया बे हमको लग रहा है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव निकला भी, मतलब एज कम्पेयर टू एनी अदर स्पॉट वी हैव विजिटेड, ये कुछ ज़्यादा ही थोड़ा, बाप रे बाप। आइए ये हम लोग वहाँ जाके पार्क करने होगा, वहाँ जाके पार्क करेगा फिर ये जो जंगल दिख रहा है ये जंगल के अंदर ही जाएगा अभी हम लोग। वी आर गोइंग टू गेट अ गाइड। यस यस द ग्रीन स्ट्रक्चर। ओ ग्रीन स्ट्रक्चर। हाउ बिग द फॉरेस्ट इज? वेरी बिग एरिया इज वेरी बिग, बट यू विल बी टेकन ओनली टू द मेन स्पॉट। व्हाट स्पेसिफिक? ओ वन स्पेसिफिक फॉरेस्ट, एंड इट विल ओनली टेक 30-40 मिनट्स। ये मोफलांग सीक्रेट फॉरेस्ट। बट यू आर अवर गाइड। चलो नाइस टू मीट यू। गुड आफ्टरनून मैन, वी आर फ्रॉम शिलोंग ओनली। शिलोंग, वेयर इज शिलोंग? लुमडिंगजिरी।
So how much time you will take to explain? 30-40 minutes. Like from here it has started. It will start. Yes, and where it will end? No. We'll come back from here only. Same way only. We look through this level here. Hey, and we have a tourist here. So, bhai, 480 dekhe hai. Bhai, idhar mein ghusne ke liye. Hey, bahut expensive milegi. Guide ka bahut zyada le liya. Bhai, guide ka around 350 hai, bhai. The parking ka around 30 aur ticket ka around 20. Wo zyada hi hai. So very good afternoon you all, nice to meet you. Welcome as the part of the second call as the same to real estate. So first of all, I'd like to introduce myself. My name is Vishpan Roy Rani. You can call me Vish or Roy also. Okay, so before we go inside this forest, I'll go into about this, a brief about this forest. Okay. So this forest locally used to call Khlaukan. Khlau means a forest and Kintam means a very secret. Okay, in Hindi we used to call Pavitra Jangal. I hope you understand once we say Pavitra Jangal, right? So even this also is not only a village, it's also a kingdom, we know as a Moklan kingdom. So in entire state of Meghalaya, we have 52 kingdoms. So each kingdom will have their own kings, prince, minister, and mantri. So in entire state of Meghalaya, we have 166 acre forests. 166 acre forests. Just to count only castles and gentiles, we have 110. So out of this 166, this is the only one. It's allowed as a public place or a tourism spot, and also is the largest one and the oldest. It has been standing here for 8th century. Okay, so inside the forest, we are not like video shooting. We are not. Yeah, we did recording. God, नहीं करने. फिर भी मैंने कर दिया भाई. क्योंकि मैं सबसे last में. तो मैं जितना दूर वाला shot है ना अभी ले लूँगा मैं. देखो दूर दूर वाला. ये है हमारा गाइड, ये देखो. तो इसने हम लोगों को मना कर दिया कि वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करना है. पेड़ देखो ना कैसे. हाँ ये बढ़िया है ना. तूफान आया ना कि टूट दिया. बाप रे बाप. फोटो फोटो ले 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 ले. ठीक है ले 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 ले. At example, when you go inside the temple, before you commit out, what you will get? What did you ask? You go inside the temple, right? Take the blessings, puja. Before you commit out, what you will get from your hand? Nothing. I know you take a video of it. What to do? Tam logo ka track over ho chuka hai. To half, matlab thoda thoda jo jo dikhaya hai, bhai aap log dekh lena. Warna in dono ko bahut maza aayegi. पिंक जंगल काफी अच्छा है देख रहे हो. नहीं ईवीएस में नहीं पढ़ा, अभी पूरा पढ़ाई दिया. हां ईवीएस में ये सब गच्ची भी नहीं है. आवड़े का गच्ची खाली खाली हुए वो वाटर पूरा पिंक जो था अच्छा था. रेडी मतलब थोड़ा हम लोगों के लिए कुछ नया था ये. हमको इससे कॉमेडी लगा. वो अंकल वो गाइड समझा रहे. वो अंकल वो गाइड बोलता है पहले कोई आदमी लोग हमें टेबल में खाता था. तो अंकल बोलता है कहीं टेबल है. टेबल का बाप रे बाप कितना रोशनी है बाहर. कितना रोशनी है बाहर. देखो अब मैं दिखाता हूँ भाई ये साइन बोर्ड में क्या लिखा है. डोंट लीव योर बिलोंगिंग इनसाइड द फॉरेस्ट आफ्टर ट्रेकिंग. वीडियो शूटिंग इज प्रोहिबिटेड स्पेशली इन द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ द रिचुअल प्लेसेस. मतलब थोड़ा न्यू एक्सपीरियंस हो जाएगा हम लोगों के लिए. पर वो स्टार्टिंग के एंट्रेंस के ही उसने बोल दिया भाई वीडियो शूटिंग इज नॉट अवेलेबल. और वो साइन बोर्ड में भी लिखा था. अबे यार वो सोच के हमको थोड़ा दुख लग गया. बोला यार इसी के लिए तो मैं आया हूँ इधर और यही बोल रहे हो आप नहीं करने. मैंने उसको समझाने की कोशिश किया पर उसने पूछा भाई वीडियो शूटिंग अवेलेबल नहीं है. तो हम बोला भाई वो बोलते कि आप मेरे को फ़ोन दे देना मैं वीडियो करके आपको दे दूँगा. हम बोला भाई मेरे को अपना ब्लॉग के लिए चाहिए. तो बोला भाई तब तो नहीं हो पाएगा. बोले ठीक है यार. और भाई ये हम लोगों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि जो मेरे को नहीं पता था वो मेरे को पता चल गया और आप लोगों को मैंने बता दिया हूँ भाई. मतलब इस बाई चांस कोई भी ये वीडियो देख के यहाँ आना चाहेगा तो उसको पहले पता चल जाएगा कि भाई इधर वीडियो शूटिंग अवेलेबल नहीं है. बारिश शुरू हो चुका है और ये रहा इसको रेनकोट पहना रहा है. बीमार नहीं होगा भाई पहन ले. जादू लग रहा है. मैं जादू
देखो अभी बारिश शुरू हो चुका है भाई, अब हम लोग पूरा भीग जाने वाले हैं भाई। अब मेरा जो पीछे का जो मडगार्ड नहीं है ना, मेरे पूरे जैकेट गंदा होने वाला है।